नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो शायद परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ अभिनेता चंकी पांडे सर हैं। और हम आपको बता दें कि पांडे सर का बिहार बहुत बार आना हुआ है, बस भागलपुर की धरती पर ये पहली बार आए हुए हैं। तो पर सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। भागलपुर में सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, सिल्क सेंटर, सिल्क हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया, मजा आ गया भाई। आज यहाँ आकर मौसम भी बहुत सुहाना है, तो आई एम रियली एंजॉयिंग। सर, सवालों से शुरुआत होगी, लेकिन मेरा एक ऐसा पहले सवाल ऐसा होगा ताकि हमारे जो शहर के युवा हैं वो फिल्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और गए भी हैं, तो मैं सर ऐसा सवाल शुरुआत ऐसे निजी तौर आपके जो निजी जिंदगी से जुड़े सवाल होंगे वो भी होंगे। मेरी पहली पिक्चर थी आग ही आग, जिसमें धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, नीलम थी मेरी हीरोइन, तो वो मेरी पहली पिक्चर थी। मेरी दूसरी पिक्चर थी पाप की दुनिया। ओके सर, एक अभी भी आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक लंबा सफ़र रहा है अभी तक का आपका, तो सर मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या बदलाव आया है फिल्मी दुनिया में जब आपने शुरुआत करा था और अभी वर्तमान में जो वहाँ की हालात हैं, तो कितना फ़र्क आया है सर? नहीं देखो, तब 3 घंटे की पिक्चर, जितनी लंबी पिक्चर होती थी उतनी तारीफ होती थी पिक्चर की। अब फिल्म सिर्फ 2 घंटे के हो गए हैं, छोटी फिल्म हो गई है, लेकिन स्केल फिल्मों का बहुत बड़ा हो गया। कहानी बोलते ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, तो वही कहानी हम ट्विस्ट करके अभी नए सिरे से पेश करते हैं। बट गेम बहुत बड़ा हो गया, आज सिनेमा थिएटर्स इतने हो गए, तब लाखों में बातें होती थी, अब करोड़ों में, और वो भी 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का बिजनेस करती है फिल्म्स। डिसिप्लिन बहुत आ गया है, आजकल के जो यंगस्टर्स है बहुत ही डिसिप्लिनड है, बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम को बहुत 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 ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। हम भी लेते थे, लेकिन हम मस्ती मजाक भी बहुत करते थे उसके साथ। तो बहुत बदलाव आ गया और एक इंटरनेशनल स्केल पे हम चले गए। ओके सर, अक्सर हमारा जो है सवाल एक ऐसा सवाल कलाकारों के साथ होता है, बाकी आप जैसे कलाकारों के साथ तो ऐसा सवाल होना ही चाहिए, क्योंकि एक मजे हुए कलाकार के तौर पे हैं सर, अब भी तक फिल्मी दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, कि हमारे जो युवा हैं, देश के युवा हैं सर, वो फिल्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बाकायदा बहुत से ऐसे भी युवा हैं जो कि वो प्रयासरत होते हुए भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और वो बैक हो जाते हैं, तो उनको कहाँ पर मेहनत करने की कहाँ पर ज़रूरत? देखो, अगर आपको फिल्मों में आना है तो अगर आपका बटवा भागलपुर में घूम गया तो आप जाके उसको पटना में तो नहीं ढूंढेंगे। तो बेसिकली अगर आपको फिल्मों में आना है तो सबसे पहले फिल्में बनती का है, आपको वहाँ होना चाहिए, वहाँ मेहनत करनी चाहिए। और आजकल बहुत इजी हो गया, जैसे हमारे ज़माने में हमें प्रोड्यूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे कि भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे हीरो बनना है, तो फिर हमारा स्क्रीन टेस्ट लेते थे, हमें फ़ोटोज़ खींच के उनको दिखाना पड़ता था। आजकल यूट्यूब की वजह से, डिजिटल की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, ट्विटर की वजह से, आपको वो सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपना सुंदर वीडियो बनाओ, उसको पेश करो दुनिया के सामने और लोग नोटिस हो जाते हैं, आप कुछ अच्छा गाना बनाओ, तो ईजी हो गया। आजकल सब आपके हाथ में, सब आपके मोबाइल फ़ोन पर हैं, तो हमने बहुत स्ट्रगल की है, अभी मुझे लगता है इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, हर आदमी की सक्सेस स्टोरी अलग होती है, तो अगर आपको सक्सेस अभी तक मिला नहीं है तो मायूस नहीं होना, आपके ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस आ सकता है, और फिल्मों में यही खास बात है, यही खासियत है जी। जब सर आपको लोग पर्दे पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो खासकर मेरा ये सवाल यहाँ पर ये होगा सर, कि जब आपको टीवी स्क्रीन पर लोग देखते हैं, तो जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं चंकी पांडे सर की तरह ही बने, उनकी तरह अभिनय करें, एक स्टार बने, उनके नाम के आगे स्टार लगे, तो सर ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहना होगा आपका? देखो भाई, अगर आपको फिल्मों में ही आना है, एंटरटेनमेंट से कुछ करना है, तो पहले उसका अभ्यास करो, कुछ सीखो, और अगर आप, और सब में टैलेंट होता है, और अगर आप वो टैलेंट उभर के निकालना दिखाना चाहते हो, तो फिर फिल्में बनती कहाँ है, मुंबई में बनती है, तो वहाँ आके आपको लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पर डालना पड़ेगा, और बहुत जल्दी आप नोटिस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका हो गया आजकल। ये आखिरी सवाल होगा सर आपसे मेरा, कि आज भागलपुर की धरती पर हैं और खासकर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है ये शहर भागलपुर शहर, तो आज सिल्क टीवी पर भी आप हैं, तो सिल्क टीवी के माध्यम से सिल्क सिटी वासियों के लिए कुछ आपका क्या कहना रहेगा? भाई, मैंने तो अपना नाम ही सिल्क चंकी रख दिया है। इनफैक्ट जब मैं जाऊँगा घर, मैं अपने आप को सिल्क ही बुलाऊँगा, क्योंकि मैं सिल्क शहर से घूम के आया हूँ, और कल टूर करूँगा, कुछ सिल्क की शॉपिंग भी करूंगा, और फिर स्कूल भी जाऊंगा। संजय भाई ने हमें इनवाइट किया है इधर,
और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं ये साइंस और आर्ट एग्जीबिशन के लिए आया हूँ और चाह रहा हूँ कि मैं सब बच्चों से मिलूँ कल, उनका उनके प्रेजेंटेशंस देखूँ और सब पब्लिक से मिलूँ। जी एक छोटा सा सवाल होगा सर, क्या क्या चंकी पांडे सर निजी जिंदगी में भी कॉमेडियन है? क्या लगता है शक्ल ही कॉमेडी वाली है तो क्या करूँ। आज सर शहर में आपका दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल आना हुआ है सर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैंने दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बहुत सुना था। इनफैक्ट जावेद जाफरी साहब आए थे इधर पिछले साल और अब हम हाल ही में रिसेंटली पार्टी में मिले थे तो मुझे बता रहे थे कि अरे सुना तू भी जा रहा है उधर, तो बोला हाँ, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे स्कूल की। और मैं कल मिलना चाह रहा हूँ उन सब बच्चों से, उनके पेरेंट्स से और यहाँ के लोगों से, बिकॉज़ दीक्षा का नाम बहुत सुना है और जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल का नाम इतना बड़ा क्यों है, तो कल ये राज मेरे सामने खुलने वाला है। बहरहाल हमारे साथ चंकी पांडे सर थे, इनका परिचय अगर मैं आपको दूं तो शायद मेरा जो शब्द है वो बौना पड़ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और सिल्क टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, कैमरा के पीछे सलमान अनवर है। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चंकी पांडे के सर के साथ हमारा बातचीत कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल तब तक के लिए नमस्कार। कुछ बुरा नहीं लिखना, पकड़ लूँगा मैं।